दाहोद सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट तरफ आवेल रेलवे क्रॉसिंग ऊपर रुपया 43 करोड़ ना खर्चे तैयार थनार फ्लाईओवर ब्रिज नु खातमुहूर्त करवामा आव्यु छे। दाहोद शहर थी जालोद तरफ जता त्रण लेवल क्रॉसिंग हता, जेमा एकमा वर्षो पहला फ्लाईओवर बनेलो छे, बीजामा नरेन्द्र मोदी मुख्यमंत्री हता त्यारे गोदी रोड ने जोड़तो अंडर ब्रिज बनावामा आव्यो हतो, परंतु सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट तरफ थी कॉलेज थई जालोद रोड ने जोड़ता मार्ग ऊपर लेवल क्रॉसिंग 44 छे, ज्यां हजी पण फाटक छे अने जना कारणे परेलवाड़ा रस्ते थई अने कॉलेज कोट जिला सेवा सदन के जालोद जवानु थाय तो आ लेवल क्रॉसिंग ऊपर पश्चिम रेलवे ना बिजी रूट ना कारणे लोकोने आवा जवामा लांबा समय सुधी फाटक ना कारणे राह जोवी पड़ती होय छे। आ पड़ती पारावार मुश्किलीनो रजूआत लोको द्वारा सांसद जसवंतसिंह भाभोर ने करता તેઓએ રેલવે મંત્રી સાથે રજૂઆત કરી ચર્ચા કરતા આ બાબતે લેવલ ક્રોસિંગ 44 ઉપર ફ્લાયઓવર બનાવવાની મંજૂરી રેલવે દ્વારા આપવામાં આવી છે। આ રેલવે ઓવરબ્રિજ ખાસ કરવામાં આવ્યું કે ખૂબ જ દાહોદ શહેર માટે પણ આનંદની વાત છે કે આ ઓવરબ્રિજ બનવાથી શહેરની ઘણા તરફે ટ્રાફિક સમસ્યાઓનો પણ નિવારણ થશે। साथे साथे आज रस्ता पर कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज कलेक्टर कचे जिला पंचायत तमाम ऑफिसो पण आ बाजू आवेली छे, जेना लीधे घणीवार फाटक ना लीधे जवामां पण तकलीफ पड़े छे। अने एक आपणो ओरबिक छे पण ए ओरबिक पण बहु दूर ने आखी टाइम में क्या पण ट्राफिक नी समस्याओ आपणे पड़े छे। आ ओरबिक बनवाथी दाहोद शहेरनी दाहोद परेल विस्तार में घना वर्षों थी फाटक होवाना कारणे दाहोद कलेक्टर ऑफिस जिला पंचायत कोर्ट गोधरा दाहोद रोड में जता होता विद्यार्थी खेडूत तो हॉस्पिटल में जता बधा लोकोने खूब मुश्किली हती ने घना वर्षों पछी आजे जनता की सुविधा माटे 42 करोड़ खर्चे रेलवे ओवरब्रिज नु खातमुहूर्त आज आप करी रहा छे। मने आनंद है कि आ फाटक एक वर्ष में पूर्ण थशे। इसके दाहोद के जो रतलाम छोर पर शायद अगस्त में जिसका शिलान्यास किया गया था वो आरओबी आज हमने आते हुए देखा, उस आरओबी पर भी काफ़ी अच्छी प्रगति हो रही है, उम्मीद से अच्छी प्रगति हो रही है और उस पर निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से जारी है। ये जो रूट है दिल्ली बॉम्बे का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूट है और इस पर सरकार की योजना है कि जल्दी से जल्दी 160 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलाई जाए, तो उसी के आलोक में हमने जो जितने भी संपार फाटक हैं यहाँ पर उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा संपार फाटकों को बंद करके या तो रोड अंडर ब्रिज या रोड ओवर ब्रिज बनाने का एक प्लान किया हुआ है। आप लोगों के माध्यम से मैं स्थानीय अपने साथी नागरिकों से भी ये अनुरोध करूंगा कि चूँकि गाड़ियों की रफ्तार धीरे धीरे करके बढ़ रही है तो पटरियां पार न करें, पुलों का ही इस्तेमाल करें। थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, थोड़ा सा घूम के जाना पड़ता है, उसमें सहयोग करें क्योंकि अगर कोई भी पटरी पार करता है कोई दुर्घटना होती है तो बहुत दुख होता है और गाड़ियों की स्पीड जो है वो चाह के भी ड्राइवर नहीं रोक पाता है। तो मेरी जो आपके माध्यम से जनता को यही अनुरोध है कि थोड़ा सा अनुशासित रहें और पटरियां पार ना करें।